yeah <laughs> हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म क्राइम की, की एक अच्छी ड्रामा मूवी है वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो प्लीज आप उन्हें चेक करना ना भूलें और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया तो चले बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं फिल्म की शुरुआत में हमें 79 में टेक्सास शहर देखने मिलता है वहां पर माइक अपने कार से काम ओर आता है और फिर वो एक हॉर्स कोर्स है है जहां पर वो वो घोड़ों को संभालने का काम करता है। और वो एक काउबोय होता है और फिर माइक बाहर आता है और वहां उस जगह का मालिक हावर्ड होता है और वो लेट होता है इस वजह से वो बताता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और वो काम ठीक से नहीं कर पाता और कई सालों पहले उसने पांच साल रोडियो चैंपियनशिप को जीता था जो की काउबॉय का एक खेल होता है और उसके बाद हावर्ड के लिए वो काम किया करता था ये चीज वो बताता है और फिर वो बताता है कि अब वो जवान लोगों से काम करवाना चाहता है और वो उसे निकाल रहा है और फिर माइक वहां से निकलता है और फिर माइक घर पर आता है फिर वो अपनी जवानी के दिनों की तस्वीरें देखता है जिसमें वो रोडियो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया करता था और एक बार जब वो चैंपियनशिप में से गिरा था तब से उसके बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और फिर कहानी एक साल के बाद की दिखाई जाती है जिसमें हार्वर्ड माइक के घर आता है और वहाँ माइक भी आता है और वहाँ हार्वर्ड बताता है कि उसे उसका काम है साथ ही वो बताता है कि माइक की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है जिसमें माइक हाँ बोलता है और फिर हार्वर्ड बताता है कि उसका एक बेटा है जिसका नाम राफो है और वो मैक्सिकोको में उसकी माँ के साथ रहता है जिसमें उसके बेटे को अब्यूज किया जा रहा है और वो चाहता है कि वो उसके पिता के साथ रहे जिसमें उसकी माँ के साथ उसका डाइवोर्स हो चुका होता है और वो मैक्सिको जाकर उसे छुड़ा नहीं सकता क्योंकि कुछ कारणों से उसे वहाँ पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और वो ये काम माइक को करने कहता है जिसमें उसकी माँ के साथ रहना उससे ठीक नहीं लगता और फिर माइक बोलता है कि ये काम किडनेपिंग जैसा लग रहा है और वहाँ हावट बताता है कि वो उसी का बेटा है और ये किडनेपिंग नहीं है और वो बताता है कि राफो को सिर्फ तुम इतना बताना कि तुम काउबॉय हो और वो तुम्हारे साथ आने तैयार हो जाएगा क्योंकि उसे घोड़े काफी ज्यादा पसंद है और वो जो बनना चाहता है ये चीज हावर्ड बताता है जिसमे माइक मना कर देता है तब हावर्ड बताता है की उसके ऊपर उसके काफी ज्यादा एहसान है और उसे ये काम करना होगा तब माइक उसकी बात मान लेता है और फिर हावर्ड उसे पैसे और राफो की जानकारी देता है और वो वहां से निकलता है और फिर माइक मेक्सिको के बॉर्डर पर आगता है जिसमें वहां ऑफिसर लड़कियों के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रहा होता है और उन्हें आगे जाने देता है और फिर वहां माइक आता है जिसमें वो काफी सख्ती से बात करके पेपर चेक करता है 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 और 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 उसे आगे है और आगे जाने देता फिर माइक से जाता रात को एक जगह पर वो वो आराम करने रुका होता है दूसरे दिन सुबह उठता है और आगे बढ़ता है और फिर वो शहर में एक काफी आलिशान घर के पास आता है और वहां पार्टी चल रही होती है और फिर माइक वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर जाता है जिसमें उसके कपड़े बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग होते हैं और इसी वजह से पार्टी में गार्ड्स उसे देखते हैं और उसे ऊपर लेकर आते हैं और वहाँ उससे मिलने के लिए हावर्ड की बीवी लेटा आती है और वो माइक को देख कर हंसती है और बताती है कि उसके पति ने पहले भी राफों को लेने के लिए दो जन को भेजा था जिसमें से एक जेल में है और दूसरा वापिस चला गया और माइक उसे ढूंढ नहीं पाएगा और फिर वो उसका सामान देखती है और उसे पूछती है कि उसके पिता को वापिस क्यों चाहिए तब तो माइक बताता है कि शायद वो उससे प्यार करता है तब तो लेटा बताती है कि वो किसी से भी प्यार नहीं करता और फिर वो बोलती है कि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो किसी कोक फाइटिंग में होगा और अगर वो उसे ढूंढ लेगा तो वो उसे लेकर जाने देगी, ये बोलती है और फिर वो उसे ड्रिंक के लिए पूछती है जिसमें माइक मना करता है और वहां से निकल जाता है और फिर माइक शहर में घूमता हुआ नजर आता है जिसमें वो एक क्लब से होकर जाता है और वहीं पर एक जगह पर कोक फाइट चल रही होती है और माइक है जिसमें वहीं पर राफो नजर आता है और वो अपने कोक से एक आदमी के कोक यानी कि दूसरे मुर्गे से लड़वा रहा होता है और वहीं पर पुलिस आती है तब सब लोग वहां से भागते हैं और वहां माइक छुप जाता है कुछ देर के बाद पुलिस जाती है तब माइक बाहर आता है और वो राफो को भी बाहर आने कहता है और फिर वो बताता है कि वो उसकी फैमिली से है और वहीं पर माइक को राफो का कोक दिखता है तब वो उसे पकड़ लेता है और वहाँ राफ़ो बाहर नहीं आता तब वो कोक को मारने की धमकी देता है और वहीं पर वो बाहर आ जाता है जिसमें वो उसे कैसे ढूंढा ये पूछता है और वहाँ माइक बताता है कि उसकी माँ ने बताया था कि वो कहाँ मिलेगा और वहाँ राफ़ो भड़क जाता है और बताता है कि उसकी माँ के काफ़ी बुढ़े दोस्त हैं और वो काफ़ी बुरे हैं और वो उनमें से एक है जिसमें वो बताता है कि वो उनमें से एक नहीं है उसका पिता ने उसे भेजा है जिसमें वो काउब है और वहाँ राफो को ये चीज पसंद आती है और फिर दोनों वहां से क्लब में आते हैं जिसमें राफो को भरोसा नहीं होता कि उसके पिता ने उसे लेने के लिए किसी को भेजा है क्योंकि कभी भी वो उससे मिलने नहीं आए थे और वहाँ माइक बताता है कि उन्हें उसकी याद आ रही है और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और फिर वो उसकी बचपन की फोटो दिखाता है और वहाँ राफो समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता को क्या हुआ लेकिन उनके पास घोड़े है और वो उसे काफी ज्यादा पसंद होते हैं और इसलिए चीज से राफो खुश हो जाता है और वो उसके साथ आएगा ये बताता है और वहाँ माइक भी खुश होता है और वहाँ से राफो अपना सामान लेने जाता है और वहीं पर उसे पुलिस ऑफिसर देखते हैं और तब वो वहाँ से भागता है कुछ देर बाद माइक वहाँ पर अपने रूम में आता है और वहीं पर लेटा के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और फिर वो उसे लेटा के पास लेकर जाते हैं जिसमें वो बोलती है कि माइक ने आके राफो को ढूंढ लिया जिसमें माइक बताता है कि उसने ने कहा था कि वो कोक फाइट करवाता है जिससे उसे ढूंढने में आसानी हो गई थी और वहाँ लेटा हंसती है और फिर वो उसे फिर से ड्रिंक के लिए पूछती है साथ ही वो बताती है कि वो राफो को उसके साथ नहीं छोड़ सकती और वहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर लेटा माइक को उसके साथ सोने कहती है जिसमें माइक मना कर देता है और वहाँ वो जाने लगता है और इस चीज से लेटा भड़क जाती है और वो बताती है कि वो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा सकती है और अगर उसने राफो को लेकर जाने का सोचा भी तो वो उसे खत्म कर देगी और वो वहां से उसे चुपचाप निकल जाने कहती है जिसमे वो बताती है कि उसका बाप उन दोनों को छोड़ गया था और फिर माइक वहां से निकल जाता है और लेटा उसके आदमी को उसके पीछा करने कहती है और फिर माइक वहां से निकलता है और वो टेक्सास की ओर जा रहा होता है और वहाँ रास्ते में सुबह होती है और वहीं पर माइक की कार में कोक निकलता है और वो पीछे देखता है जिसमें वहां राफो छुपा हुआ होता है और वो बताता है कि वो वहां पर सो गया था और वहां माइक उसे वहां से जाने कहता है और फिर वो बाहर निकालता है और वो बताता है कि उसकी माँ खतरनाक है और वो उसको नहीं लेकर जा सकता और वहां राफो उसे धमकी देता है कि वो पुलिस के पास चला जाएगा तब माइक बोलता है कि वो उसकी बात नहीं माने गए और वहां राफो उसे धमकाता है तब माइक उसकी बात नहीं सुनता और कार में आता है जिसमें वो देखता है कि उसका वॉलेट गायब है और वो बाहर राफो से वो मांगता है जिसमें वो देने से मना कर देता है और फिर दोनों लड़ने तैयार होते हैं जिसमें राफो उसे बताता है कि वो उसे उसका वॉलेट देगा और बदले में वो उसे बॉर्डर तक छोड़ देने कहता है जिसमें माइक साफ मना कर देता है और वो वॉलेट के बिना ही जाने निकलता है तब राफो उसे वॉलेट देता है और वो बताता है कि वो उसके पिता के पास जाना चाहता है और इस चीज़ से माइक पिघल जाता है और वो उसे साथ आने कहता है और फिर दोनों कार में बैठते हैं और वहीं पर राफो बताता है कि उसके चिकन का नाम माचो है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें वो बताता है कि माचो कॉक चैंपियन है फिर वो माइक से डील करता है जिसमें वो बताता है कि माचो अगर कोई फाइट करेगा और वो जीतेगा तो वो आधे पैसे उसे देगा जिसमें माइक को वो नहीं चाहिए होते हैं और वहाँ राफो बताता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा उसे ट्रेंड किया था और फिर वो उसे उसने माचो बनाया था और रात को दोनों एक जगह पर रुकते हैं जिसमें राफ़ो को लगता है कि अगर वो सोया तो माइक उसे छोड़ चला जाएगा और वहाँ माइक बताता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और फिर वो माचो के बारे में बात करता है जिसमें माइक बताता है कि उसे जानवरों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है और उसकी आधी ज़िंदगी जानवरों के साथ ही गुजरी है और वहाँ माइक बताता है कि उसकी माँ बता रही थी कि वो काफ़ी बुरा है और वहीं पर राफो उसका टी शर्ट बदल रहा होता है जिसमें उसके बॉडी पर खाव होते हैं और वो बताता है कि उसे घर से ज़्यादा रोड पर रहना पसंद है क्योंकि घर के अंदर काफ़ी बुरी चीज़ें होती हैं और उसकी माँ नए नए आदमियों को घर पर लाती है जो कि राफो के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और एक दिन उसने एक आदमी को मारा था और फिर वहाँ से भाग गया था तब से वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता और वह माइक को उसकी बातें दुखी करती हैं दूसरे दिन दोनों बॉर्डर की ओर जाते हैं और वहाँ पुलिस वाले गाड़ियाँ चेक कर रहे थे तब माइक वहाँ से गाड़ी कच्चे रास्ते से आगे निकालता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक रेस्टोरेंट में रास्ते में खाना खाते हैं जिसमें वहाँ राफो अपने लिए दारू मंगवाता है और इस चीज़ से माइक भड़क जाता है और वो उसके साथ ये सब नहीं कर सकता ये बताता है और फिर माइक वहाँ से उसके पिता से बात करने निकलता है और वो हावर्ड को फोन लगाता है और वो उसे बताता है कि उसे राफो मिल गया है और वहाँ रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है साथ ही वो भड़का हुआ होता है क्योंकि उसने बताया नहीं कि उसने पहले भी दो जन को भेजा हुआ था और वहाँ वो थोड़े दिनों के बाद मिलेगा ये बोलता है जिसमें हावर्ड उसकी बात मान लेता है और फिर माइक अंदर आता है जिसमें राफो उसकी हैट मांगता है और वहाँ माइक बताता cái bố cậu bơi này nhé जिसमें राफो बताता है कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा काबू बनेगा और वहाँ माइक पैसे रखता है और वहाँ राफ़ो को लगता है कि उसके पिता उसे छोड़कर गए थे और वो उनके जैसा है तब वो भड़क जाता है और वहाँ से निकलता है और फिर माइक बाहर आता है जिसमें राफो लेटा के आदमी से पकड़ा गया होता है और वहाँ माइक आता है और वो उसे छोड़ देने कहता है तब वो नहीं मानता तब माइक उसे पंच मारता है और फिर वो गुंडा आस के आदमियों को सब बुलाता है और बताता है कि वो बच्चा उसका है और उसके बेटे को वो पकड़ रहा है और वहाँ लोग मैक्सिकन होते हैं जिसमें उनकी भाषा माइक को नहीं आती और वहाँ राफ़ो बताता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसके पीछे पड़ा है और वो उसे पकड़कर मारता है और फिर वो अपने घाव दिखाता है तब सारे लोग उस गुंडे को मारते हैं और वहाँ से मौका देख माइक और राफ़ो निकल लेते हैं जिसमें माइक राफो की तारीफ़ करता है और वो लोग खाना खाने की एक जगह पर रुके होते हैं जिसमें माइक को वहाँ का खाना पसंद आता है और फिर वो टॉयलेट जाता है और वहीं पर कुछ लोग उसकी गाड़ी चुरा भागते हैं और फिर दोनों ऊपर आते हैं लेकिन तब तक गाड़ी वहाँ से निकल गई होती है और वहाँ राफ़ो भटका हुआ होता है जिसमें अब वो लोग पुलिस की भी मदद नहीं ले सकते हैं और फिर तीनों चलकर कर वहाँ से निकलते हैं और फिर वो लोग एक शहर में आते हैं और वहाँ राफ़ो माइक को कपड़े बदलने का कहते है जिसमें सबकी नज़र में वो ना आए और वहाँ माइक एक स्टोर में जाता है और वहाँ राफ़ो बाहर शहर में निकलता है माइक वहाँ से कुछ देर के बाद नए कपड़े पहन आता है और वहाँ राफ़ो एक कार चुरा लाया होता है और वो बताता है कि मैक्सिको में ऐसी कार रोड पर जगह जगह पर लोग छोड़ देते हैं और जिसे चाहिए वो उसे यूज़ कर सकता है और वहाँ माइक को उसकी बात सच्ची नहीं लगती और वहाँ माइक उस कार में बैठता है और फिर राफो बैठता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और लंबा सफ़र तय करके वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ से वो लोग खाना खाने जाते हैं और वहीं पर उन्हें पुलिस वाले देखते हैं तब वो लोग एक रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और वहाँ की मालकिन मार्टा उन्हें बैठने कहती है और फिर माइक ऑर्डर देता है जिसमें राफ़ो उसे ट्रांसलेट करता है और वो लोग पुलिस से डर रहे होते हैं और ये चीज़ मार्टा देख लेती है और वो रेस्टोरेंट के बाहर क्लोज का बोर्ड लगा देती है तब ऑफिसर वहाँ से निकलते हैं और वहाँ माइक उसे थैंक्स बोलता है और वहीं पर राफो बताता है कि वो उस जगह पर नए हैं और वहाँ मार्टा चली जाती है और वो खाना लाती है जिसमें वो लोग पेट भर खाना खाते

वहाँ माइक और राफो वहाँ से निकलते हैं और मारता राफो को बाय बोलती है और फिर दोनों बाहर आते हैं और आगे बढ़ते हैं और वहीं पर उन्हें पुलिस की पकड़ी हुई गाड़ियाँ दिखती है और वहाँ उनकी चोरी की हुई कार के चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया होता है और वहाँ माइक बताता है कि बुरे काम के बुरे ही नतीजे होते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और रात तक वो लोग ड्राइव करते रहते हैं और वहाँ उन्हें एक चर्च दिखता है तब वो लोग वहाँ रात बिताने जाते हैं और वहाँ अंदर कोई नहीं होता और वहाँ माइक सोने जाता है जिसमें राफो को भगवान की जगह पर सोना पसंद नहीं होता लेकिन माइक बताता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो सोने जाता है और राफो के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है इसलिए वो सोने का डिसाइड करता है और वहाँ वो माइक को पूछता है कि क्या वो भगवान में मानता है जिसमें वो मना कर देता है जिसमें राफो का मानना होता है कि सब लोग भगवान के बच्चे हैं और फिर वो उसके बच्चों के बारे में पूछता है जिसमें माइक बताता है कि उसका एक बेटा था और कई सालों पहले उसकी बीवी और उसके बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो लोग मारे गए थे और फिर वो उसके पिता के लिए काम किया करता था और उन्होंने उसे काम देकर काफी लंबे समय तक पाला था और इसी वजह से वो उसका कर्जदार था और इसलिए वो उसे वापस लेकर जा रहा है ये माइक बताता है और फिर दूसरे दिन माइक चर्च से निकलता है जिसमें वहां पर खाना होता है और उसे मारता नजर आती है और वो बताती है कि उसने उसकी कार को देखी थी इसलिए वो उन लोगों के लिए खाना लाई थी और वो उसके पास ही रहती है और वो वहां से निकलती है और वहां राफो खाना खाता है और फिर वो माचो के साथ खिलता हुआ नजर आता है और वहाँ माइक आता है और वो बताता है कि कार में से पेट्रोल निकल रहा है और वो माइक देखता है और वो बोलता है कि ये कार खटारा कार है और फिर वो वहां से निकल रहा होता है तब वहाँ वो देखता है कि एक जगह पर जंगली घोड़े है जिसमें एक आदमी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वहाँ माइक उससे बात करता है जिसमें वो बताता है कि वो उसके घोड़ों को काबू कर सकता है जिसमें वो उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लेगा और इससे वो आदमी उसकी बात मान लेता है और राफ़ो माइक की मदद करने लगता है और माइक एक घोड़े पर बैठता है जो कि बेकाबू होता है और माइक उसे कंट्रोल करने लगता है जिसमें वो कुछ देर के बाद काबू में आ जाता है और फिर राफ़ो उस पर बैठता है और इस चीज़ से घोड़ों का मालिक खुश हो जाता है और वहाँ राफ़ो भी घोड़े चलाना सीख रहा होता है जिसमें माइक उसकी तारीफ करता है और फिर दोनों फिर से मारता के रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसमें वहाँ ढेर सारी छोटी सी लड़कियाँ होती हैं और वहाँ माइक मारता के लिए गिफ्ट लाया होता है और फिर वो लड़कियों के साथ बैठता है और वहाँ राफ़ो भी आता है और वहाँ मारता उनके लिए खाना लाती है और फिर राफो उसकी बातें ट्रांसलेट करता है जिसमें उसे गिफ्ट पसंद देखता है। और फिर पढ़ा रही होती है। और खाना देता है जिसमें एक लड़की सुन नहीं पाती है और वो साइन लैंग्वेज से पानी मांगती है जो कि माइक समझ जाता है और इस चीज से मारता इंप्रेस होती है और फिर माइक सबको हंसाता है और सब लड़कियां वहां से घर जाने निकलती है और वहां शरीफ आता है जिसमें वो पूछता है कि वो लोग कौन हैं और वहाँ मार्ता बताती है कि वो उसके दोस्त हैं और वो शेरीफ को उसके काम पर ध्यान देने कहती है और फिर वो राफो को बताती है, कि उसकी है और फिर वो घोड़ों को पालतू बना रहे होते हैं जिसमें राफो उसकी मदद करता है और वहाँ माइक बताता है कि वो कुछ दिनों तक तो वहीं पर रह गए और वहाँ राफो एक औरत को लाता है जिसमें उसकी बकरी की हालत खराब होती है और वो माइक को उसका इलाज करने कहता है और वहाँ माइक माइक उसे देखता है और फिर वो उसके घाव देखता है और वो बताता है कि वो नॉर्मल है, है।, है जिसमें, जिसमें हावर्ड बताता है कि मैक्सिको में उसने कुछ सालों पहले राफो के नाम पर प्रॉपर्टी ली थी और अब वो उसे अपने नाम पर करवाने है और इस चीज से माइक भड़क जाता है और बोलता है कि उसे सिर्फ उसका बेटा काम के लिए चाहिए जिसमें हावर्ड बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है साथ ही वो अपने बेटे का ध्यान भी रखेगा जो कि उसकी मां से बेहतर ही रखने वाला था और फिर वो उसे लाकर बॉर्डर पर मिलने कहता है और फिर माइक वहां से निकलता है और वो जाकर राफो से मिलता है जब इसमें राफो पूछता है कि उसके पिता ने क्या बोला और वहाँ माइक बताता है कि वो उसे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और जल्द से जल्द बॉर्डर पर मिलने कहा है जिसमें राफो खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसके साथ रहना चाहते हैं और फिर एक दिन माइक राफ़ो को घोड़े पर चीज़ें रखना सिखाता है और वहीं पर घोड़ा भड़कता है तब माइक उसे शांत करवाता है और राफ़ो को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और वो उससे जानवरों से प्यार करना सीखता है अगले दिन मारता और राफो बात कर रहे होते हैं और वहीं पर माइक आता है जिसमें राफो माइक के पास आता है और वो बताता है कि मार्ता ने उन लोगों को उनके साथ रहने कहा होता है जिसमें माइक नहीं मानता तब मार्ता उसके पास आती है और उसे मनाती है और फिर माइक अपनी गाड़ी ठीक करता है जिसमें राफो को वहाँ रहना पसंद है ये चीज़ वो बताता है और एक दिन राफो घोड़ा चलाना सीख रहा होता है जिसमें शेरिफ उन पर नजर रखता है और फिर रात को माइक खाना बनाकर मार्ता के लिए लेकर जाता है जिसमें सब लोग खुश होते हैं और फिर वो लोग खाना खाते हैं इससे पहले प्रार्थना करते हैं जिसमें राफो बताता है कि मार्ता माइक को पसंद करती है और वो भी उसे पसंद करता है और ये वो समझ जाता है और वहीं पर मार्ता माइक का हाथ पकड़ती है अगले दिन माइक का मालिक अपने घोड़ों को शांत करवा कर बेचता है और उसे शांत करवाने की मदद के लिए वो माइक को भी पैसे देता है और वहाँ राफ़ो कई सारे लोगों को लाता है जिसमें सबके पालतू जानवर बीमार होते हैं और वहाँ शेरीफ भी आता है और वो माइक की मदद मांगता है और वहाँ अपने कुत्ते को बुलाता है और वो इसका इलाज करने कहता है जिसमें वो भड़का हुआ होता है और वहाँ माइक उसे देखता है और वो बताता है कि उसके कुत्ते को आराम की ज़रूरत है और वो अपने आप ठीक हो जाएगा और इस चीज़ से शारीफ भी खुश हो जाता है और वहाँ से निकलता है और फिर एक दिन राफू भी घोड़ों को संभालता है जिसमें उनका मालिक उसे पैसे देता है और वहाँ राफू को मारथा की एक पोती पसंद होती है जिसमें बाकी लड़कियां माचो के साथ खेलती है और माइक मारथा के साथ खाना बना रहा होता है और वहाँ मारथा की पोती और राफू की नज़दीकियां बढ़ रही होती हैं और ऐसे वक्त बीतता जाता है और माइक मार्ता की फैमिली के साथ जीने लगा होता है जिसमें वो लोग मैक्सिकन म्यूजिक सुनते हैं और एक दिन मार्ता और माइक लड़कियों को सुलाने के बाद डांस कर रहे होते हैं और वहीं पर दोनों किस करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं और ये चीज़ राफ़ो को माइक बताता है जिसमें राफ़ो माइक को बोलता है कि उसे वहीं पर रहना चाहिए जिसमें इस जगह से उसे भी प्यार हो गया है पर राफ़ो बोलता है कि उसे उसके पिता के साथ रहना है जिसमें उसकी लाइफ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी लेकिन उसे ये नहीं समझता कि अचानक से उसके पिता क्यों उसके साथ रहना चाहते हैं और वहाँ माइक बताता है कि शायद वो उसे पसंद करते हैं और फिर एक दिन शेरफ से बात करते हुए माइक लेटा के लोगों को देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो लोग उसे ढूंढ ले गए तब वो राफ़ो के पास आता है और वो लोग बहुत ही जल्दी वहाँ से निकलेंगे ये बताता है जिसमें राफो मारता और उसकी पोतियों को छोड़कर नहीं जाना चाहता और वहाँ माइक बताता है कि अगर वो लोग नहीं गए तो वो खतरे में आ सकते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ मार्ता उसके पोतियों के साथ दिखती है जिसमें माइक बताता है कि उसे उसका अधूरा काम खत्म करना है जिसमें मार्ता पूछती है कि वो वापस कब आएगा और वहाँ माइक बताता है कि उसका कोई भी भरोसा नहीं है जिसमें मार्ता दुखी होती है और माइक वहाँ से निकलता है और फिर मार्था भी वहाँ से जाती है और राफो माइक के पास आता है और दोनों वहाँ से कार में निकलते हैं और दोनों शहर से बॉर्डर की ओर जाते हैं जिसमें राफो पूछता है कि वो बॉर्डर बिना पेपर के कैसे पार करेगा और वहाँ माइक बताता है कि बॉर्डर पर उसके पिता मिले गए और वो सब चीज़ें संभाल ले गए और वो उसका ध्यान भी रखे गए और वहीं पर उनकी कार के पीछे पुलिस की कार आती है तब वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से कार को भगाते हैं और कच्चे रास्ते से आगे जाते हैं और एक जगह पर रुकते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि पुलिस निकल गई और वहाँ माइक राफ़ो को बताता है कि उसके पिता उसके साथ रहना चाहते हैं साथ ही उन्होंने उसके नाम पर कोई ज़मीन ली थी और अब वो उसका सौदा करना चाहते हैं और वहाँ राफ़ो ये सुनकर समझ जाता है कि उसके पिता उसे पैसों के लिए रहे हैं और वो भड़क जाता है और बोलता है कि उसके पिता के साथ साथ माइक ने भी उसे धोखा दिया है और वो वहां से निकलता है और भागता है और वहीं पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन्हें हाथ ऊपर करने कहते हैं और फिर एक ऑफिसर जाकर गाड़ी देखता है जिसमें वो ड्रग्स ढूंढ रहा होता है और फिर वो सीट्स को फाड़ देता है और वहां माइक बताता है कि उन लोगों के पास ड्रग्स नहीं है और वहां ऑफिसर पूरी गाड़ी को बर्बाद कर देता है और वहां ऑफिसर फिर माफी मांग निकलता है जिसमें उसे ड्रग्स नहीं मिला होता और वहां पर माइक भड़का हुआ होता है और वहीं पर ऑफिसर पूछ है कि उन लोगों के पास ड्रग्स नहीं है तो वो लोग भागे क्यों तब राफो बताता है कि माइक उसका चाचा है और वो उसके भाई यानी कि माराफो के पिता से मिलना चाहता है और इसलिए वो लोग भाग रहे थे और फिर राफो ऑफिसर को रिश्वत देता है जिसमें ऑफिसर उन्हें जाने देता है और वहाँ माइक सामान गाड़ी में डालता है जिसमें राफो भड़का हुआ होता है और वो उससे बात नहीं करना चाहता ये बोलता है तब माइक बताता है कि उसके पिता ने दोनों को झूठ बोला था और फिर तीनों वहां से निकलते हैं जिसमें राफो बताता है कि माइक काफी ज्यादा कमजोर आदमी है जिसमें वो बोलता है कि हाँ वो वैसा ही है और उसे ऐसा ही रहना पसंद है और फिर वो राफो को समझाता है, कार को है और दोनों की गाड़ी एक जगह पर गिरती है और वहाँ माइक और राफो बाहर आते हैं जिसमें उस आदमी ने उन लोगों पर बंदूक तानी होती है और वहीं पर माचो उस पर कूद पड़ता है और फिर माइक को बंदूक मिल जाती है और वहां से वो लोग उस गुंडे की गाड़ी में बैठते हैं और तीनों वहां से निकलते हैं जिसमें माइक माचो की तारीफ करता है और फिर वो लोग बॉर्डर पर पहुंचते हैं और वहां हावर्ड भी होता है जिसमें माइक राफो को बाय बोलता है और वहां राफो उसे थैंक्स बोलता है और फिर वो वो माचो को को माइक जिसमें वो उसका ख्याल रखेगा ये बोलता है और फिर राफो माइक को बताता है कि उसे उसकी जरूरत होगी तो उसे पता है कि वो कहां पर मिलेगा और फिर वहां से राफो निकलता है और वो उसके पिता से जाकर मिलता है कुछ देर के बाद माइक वहां से अपनी कार में निकलता है जिसमें वो अपनी जिंदगी मारता और उसकी पोती के साथ गुजारने वाला होता है और वो उस रेस्टोरेंट में मार्टा के साथ डांस करता हुआ दिखता है तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें और हमारे वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरी वीडियो भी देख सकते हो और अगर आपको मेरा कम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भूलें मेरा आईडी है फ्रेश mojo india